أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم دوستو، मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों आज उस हवाले से हमारी पहली क्लास है। दोस्तों जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि मेरा ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, चूंकि यूनिवर्सिटी ने अब पूरा का पूरा जो कोर्स है वो चेंज कर दिया है, तो इसलिए मैंने भी अपना जो ओल्ड कोर्स है वो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ जो यूनिवर्सिटी ने नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है तो मैंने भी नए कोर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये शॉर्ट लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार भी आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखते हुए मज़ा आएगा और आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे जैसे आप मेरे साथ पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्स में जुड़े रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली अकाउंटिंग एंड इट्स ब्रांचेस। हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या अकाउंटिंग होती क्या है और उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। दोस्तों हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है। दोस्तों जब भी हम अकाउंटिंग का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन के अंदर फौरन से यही आता है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, कि ये एक प्रोसेस है और इज एन एक्टिविटी, या ये एक एक्टिविटी है और इज अ सिस्टम, क्या ये एक सिस्टम है, और इज अ सब्जेक्ट, क्या ये अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट है। तो हमारा जो जवाब है वो है नहीं, नो, इट इज नॉट अ प्रोसेस, नॉट एन एक्टिविटी, नॉट अ सिस्टम, नॉट अ सब्जेक्ट, बल्कि अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। ये अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज है दैट इज यूज टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड, जिसके जरिए हम कम्युनिकेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में, अबाउट द फाइनेंशियल आइडियाज, फाइनेंशियल आइडियाज के बारे में, अबाउट द फाइनेंशियल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज के बारे में, एंड फाइनेंशियल प्लान्स और फाइनेंशियल प्लान्स के बारे में ऑफ द बिजनेस, किसी भी कारोबार के। दोस्तों जैसे हम नॉर्मल रूटीन के अंदर अगर हम देखें तो हमने अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें उस लैंग्वेज का पता होना चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग विद आवर फ्रेंड्स, जब हम अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो वी आर यूजिंग इंग्लिश एज वेल एज उर्दू एज वेल एज एनी अदर लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग विद आवर फ्रेंड्स। हम कोई भी एक लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसी तरह जब हमने बिजनेस के हवाले से कम्युनिकेट करना हो तो वी मस्ट नो अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, हमें बिजनेस की लैंग्वेज का पता होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि ये जो है ये बिजनेस की लैंग्वेज है। इन विच वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता चलता है, हमें फाइनेंशियल आइडियाज का पता चलता है, हमें फाइनेंशियल पॉलिसीज का पता चलता है और हमें फाइनेंशियल प्लान्स का पता चलता है, अगर हमें बिजनेस लैंग्वेज का पता हो, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पता हो। दोस्तों जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तो इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इसकी कितनी ब्रांचेस हैं। देयर आर टू मेजर ब्रांचेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, द फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द सेकेंड वन इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है ये हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमने पीछे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन के अंदर पढ़ा कि हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, हमारे पास फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें अगर हम देखें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को तो दिस इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होती है, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द पास्ट डेटा, और ये हमारे माजी के अंदर जो डेटा अकर हो चुका होता है उसके बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती क्या है, फाइनेंशियल
इंफॉर्मेशन इफ द डेटा अबाउट द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ द पर्सन आर बिजनेस, कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है पहली बात तो यह है कि वो मॉनेटरी टर्म के अंदर होगी। अभी आज की ही इसी क्लास के अंदर हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि मॉनेटरी टर्म से क्या मुराद है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आज की ही इसी क्लास के अंदर हम ये भी देखेंगे कि ट्रांजेक्शन जो है वो क्या होती है। पर्सन आर बिजनेस के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि हमारे पास जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो चाहे वो किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल आइडियाज होते हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं। जैसे हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पास्ट डेटा, इसी तरह हमारे पास ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दैट इज रिलेटेड टू द फ्यूचर डेटा, ये आने वाले वक्त के बारे में होती है। इट इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल आइडिया, फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल प्लान्स, इसके अंदर हम लोग मैनेजमेंट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, फाइनेंशियल आइडियाज की, फाइनेंशियल पॉलिसीज की और फाइनेंशियल प्लान्स की। दोस्तों हमारा जो वास्ता है इस कोर्स के अंदर यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, वो मोस्टली हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ रहेगा, तो इसलिए हम जो अपने इस कोर्स का आगाज है वो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, के हमारे पास कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के। देयर आर थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, के हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के तीन बड़े सोर्सेज हैं। उसमें जो पहले नंबर के ऊपर सोर्स है वो है ट्रांजेक्शन, इसमें हमारे पास जो दूसरे नंबर के ऊपर सोर्स आता है वो आता है इवेंट, इसके बाद हमारे पास जो तीसरे नंबर के ऊपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स आता है वो है कंडीशन। अब हम बारी बारी इनको देख लेते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होती है, इवेंट क्या होता है और कंडीशन क्या होता है, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को इंशाल्लाह समझाऊंगा कि ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन क्या है और इनके अंदर फर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द फर्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज ट्रांजैक्शन। एनी डीलिंग बिटवीन टू आर मोर देन टू पर्सन इज नोन एज ट्रांजैक्शन, कि जब दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कोई भी डीलिंग हो इसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इट इज फर्दर डिवाइड इंटू टू क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट वन इज द सोशल ट्रांजेक्शन एंड द सेकेंड वन इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब सोशल ट्रांजेक्शन क्या होती है, सोशल ट्रांजेक्शन मीन कि जब दो लोग आपस में डीलिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, वो एक सोशल ट्रांजेक्शन है। जैसे हमने किसी को एनिवर्सरी गिफ्ट दे दिया, हमने किसी को बर्थडे के ऊपर गिफ्ट दे दिया, तो ये हमारी सोशल ट्रांजेक्शन है। इसके बाद हमारा जो वास्ता रहेगा ज्यादातर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन से रहेगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, इसमें जो पहली है वो है मॉनेटरी एंड द सेकंड इज एंटिटी टू पर्सन, के उसमें एंटिटी यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हो और दूसरा वो पर्सन हो। यहां पे एक एग्जांपल लिखी हुई नजर आ रही है आपको, मिस्टर मोफिन परचेज अ मोबाइल फोन फ्रॉम द नोकिया कंपनी RF 40,000, कि मोफिन ने जो है एक मोबाइल फोन परचेज किया है 40,000 का नोकिया से। अब इसके अंदर देखें मॉनेटरी यानी कि रुपया पैसा करेंसी भी इन्वॉल्व है 40,000, और दूसरी जो कंडीशन है एंटिटी टू पर्सन, इसमें एंटिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नोकिया है और पर्सन जो है वो मोफिन है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो दोनों कंडीशंस हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की, मॉनेटरी एंड एंटिटी टू पर्सन, वो पूरी हो रही है, तो दिस ट्रांजेक्शन इज नोन एज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसके बाद हमारा जो अगली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आती है वो है इवेंट। अब इवेंट क्या है, एनीथिंग हैपनिंग इज नोन एज इवेंट, कि कोई भी चीज जो वाकई होती है उसको हम इवेंट कहते हैं। अब इवेंट में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं, जैसे हमने ट्रांजेक्शन की देखी, इसमें पहली जो है वो हमारे पास मॉनेटरी इवेंट है और जो दूसरी है वो हमारे पास नॉन मॉनेटरी इवेंट है।
जो मॉनेटरी इवेंट है उसके अंदर रुपया पैसा इन्वॉल्व होता है। जैसे हमने कहा कि हमने हमारी कंपनी के अंदर कोई आग लग गई, लॉस बाय फायर, उससे नुकसान हुआ, तो हमें पता होगा कि कितना नुकसान हुआ, या हम कह सकते हैं थेफ्ट 1 लाख रुपीज। अब इसके अंदर देखें कि चोरी तो हो गई है लेकिन वो 1 लाख रुपए की है, तो इसके अंदर भी मॉनेटरी यानी कि करेंसी इन्वॉल्व है। इसके बाद हमारा दूसरा जो इवेंट है वो है नॉन मॉनेटरी इवेंट। नॉन मॉनेटरी इवेंट पे डांसिंग और वेडिंग, विनिंग अ गेम, लूजिंग अ गेम, कि हमने किसी के साथ कोई गेम लगाई, हम जीत गए, तो ये हमारा एक नॉन मॉनेटरी इवेंट है, या हम गेम हार गए तो ये भी हमारा एक नॉन मॉनेटरी इवेंट है। इसके बाद जो तीसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है कंडीशन। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन कवर सर्टन एडजस्टमेंट इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, कि ये कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हम ट्रांजेक्शन के अंदर करते हैं या इवेंट्स के अंदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन। दोस्तों, प्रोविजन और डेप्रिसिएशन के बारे में जो है, इंशाल्लाह हम ने ये जो कोर्स शुरू किया है, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर विद इन डिटेल्ड हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्रोविजन के हवाले से और डेप्रिसिएशन के हवाले से। हम जो है इंशाल्लाह उस फुटेज के ऊपर जाके इनको विद इन डिटेल देखेंगे। दोस्तों, जब हमने ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देख लिए जिसके अंदर हमने ट्रांजेक्शन, इवेंट और कंडीशन को देखा, इसमें हमने बार बार जो एक वर्ड यूज हो रहा है जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेफिनेशन में भी था, वो है मॉनेटरी। तो हमें जो है ये भी पता होना चाहिए कि मॉनेटरी बेसिकली क्या है, या मॉनेटरी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेटेड दैट अ बिजनेस शुड ओनली रिकॉर्ड एन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर करेंसी, के हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिनको रुपए पैसे के अंदर बयान किया जा सके या जिनको करेंसी के अंदर बयान किया जा सके, वो हमारा मनी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। दोस्तों, मेजरमेंट के डिफरेंट हमारे पास स्केल होते हैं। जैसे हम करेंसी को मेजर करने के लिए रुपीज यूज करते हैं, कि हमारे पास सबसे जो छोटा है वो 1 रुपया है, उससे बड़ा 2 रुपया है, उसके बाद हमारे पास 5 रुपए हैं, उसके बाद हमारे पास 10 रुपए हैं, 10 के बाद हमारे पास 50 रुपए हैं। तो ये करेंसी को मेजर करने का टूल है। इसी तरह अगर हमने दूध को मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल अवेलेबल है, उसको हम लीटर के अंदर मेजर करते हैं। इसी तरह वेट को मेजर करने का डिफरेंट टूल है। तो हर चीज को मेजरमेंट के लिए टूल्स अवेलेबल हैं। तो हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसको मेजर करने के लिए हम लोग मॉनेटरी टर्म यूज करते हैं यानी कि करेंसी यूज करते हैं, और उसके अंदर भी हमारे पास मेजरमेंट के डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। हम कुछ अब एग्जांपल देख लेते हैं जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसमें दोस्तों आपको जो पहली एग्जाम्पल नजर आ रही है वो एक टूल नजर आ रहा है, और इसके साथ लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस टूल इज RF 1000, के इस टूल की जो वैल्यू है या इसकी जो प्राइस है वो 1000 है। इट मींस के दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसके अंदर रुपया पैसा या करेंसी इन्वॉल्व है। एंड दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास जो अगली एग्जाम्पल नजर आ रही है वो आपको एक चेयर नजर आ रही है। द प्राइस ऑफ चेयर इज 5000, इस कुर्सी की जो प्राइस है वो 5000 है, तो इसके अंदर भी हमारे करेंसी इन्वॉल्व है। तो ये ट्रांजेक्शन भी हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी, और दिस इज ऑल्सो अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। इसके बाद हमारी जो अगली एग्जाम्पल नजर आ रही है, वी आर बाइंग 12 कलर पेंसिल फ्रॉम शॉप, हमने इस ट्रांजेक्शन के अंदर देखें 12 कलर पेंसिल खरीद की है, लेकिन इसके अंदर उसकी वैल्यू नहीं लिखी हुई, तो ये हमारी मनी वही नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन के अंदर आ जाएगा, और ऐसी ट्रांजेक्शन जो है वो हम अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली क्लास, और इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर एक तरतीब बनाएंगे। हर कोर्स लेक्चर के इख्तिताम के ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज दिया करूंगा, और फिर
आइंदा आने वाला जो हमारा लेक्चर होगा उसके शुरू में मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दिखाया करूंगा। हमारा जो इससे पहले का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स था उसमें ऐसी बात नहीं थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आखिर में आप लोगों को एक्सरसाइज देता था, लेकिन उसका सोल्यूशन अगले लेक्चर के शुरू में मैं नहीं दिखाता था। तो हमने ये जो नया अकाउंटिंग का कोर्स शुरू किया है उसमें इंशाल्लाह मैं आखिर में जो आप लोगों को एक्सरसाइज दिया करूंगा उसका अगले लेक्चर के अंदर सोल्यूशन भी दिखाया करूंगा। तो आप लोग पहले इस एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की समझ आए। आप जल्दी से अपनी नोटबुक ओपन कर लें क्योंकि अभी जो है अगली फ्लाइट के ऊपर मैं आप लोगों को आज की एक्सरसाइज देने वाला हूं हमारी आज की इस पहली क्लास की। तो दोस्तों एक्सरसाइज आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इसमें आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी गई है जिसमें कोई 10 ट्रांजेक्शन है। आप ने करना क्या है, हमने इसमें करना यह है सेपरेट ईच ट्रांजेक्शन विच इज रिलेटेड टू द इवेंट ट्रांजेक्शन नॉन ट्रांजेक्शन एंड कंडीशन। हमने इसमें हर ट्रांजेक्शन को सेपरेट करना है, हर नॉन ट्रांजेक्शन को सेपरेट करना है, हर कंडीशन वाली स्टेटमेंट को अलग करना है, हर इवेंट वाली स्टेटमेंट को अलग करना है। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास और मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखने का मौका मिलेगा। हम आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और क्विकली समराइज करते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, हमने देखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, उसकी हमने डिफरेंट ब्रांचेस देखी और हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखे और आखिर के अंदर हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखा। दोस्तों आज की क्लास में यही खत्म करता हूं और आखिर में मेरी तमाम दोस्तों से यही गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका ये सब्जेक्ट है और कमेंट जरूर करें ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं या बेहतर कर सकूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।